हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवनीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट मैच। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेला गया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का सेमीफाइनल मुकाबले के बारे में एनालिसिस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पहले पहुँच जाए और मेरे वीडियो का आनंद उठा सकें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करते हैं टॉस से। टॉस जीता है पाकिस्तान की टीम ने किया फील्डिंग का फैसला। इंग्लैंड की तरफ से जॉनी बेस्टो एलेक्सियस ओपनिंग करने के लिए आए। 57 गेंदों में 43 रन बनाए जॉनी बेस्टो ने। एलेक्सियस ने 13 बनाए। जो रूट ने 56 गेंदों में 46 रन बनाए। मॉर्गन ने 53 गेंदों में 33 रन। स्टोक्स ने 64 बॉल में 34 रन। जॉस बटलर 7 बॉल में 4 रन। मोइन अली 14 बॉल में 11 रन। अतर रशीद 13 बॉल में 7 रन। प्लंकेट 14 में 9। मार्क वुड 5 में 3 और जैक बॉल नॉट आउट हुए 5 में 2 रन बनाकर और टीम जो है पूरी 49.5 ओवर में ऑल आउट हो गई 211 रन पे। और जो अब बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तान तब से सबसे ज़्यादा सफल गेंदबाज है हसन अली, जिन्होंने 10 ओवर में 35 रन देकर 3 विकेट लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट लिए। हसन अली ने बेस्टो को आउट किया और मॉर्गन को आउट किया और बेन स्टोक्स को आउट किया, जो तीनों कदी फॉर्म में चल रहे थे उस टाइम पर। उन तीनों को आउट किया उन्होंने, जल्दी जल्दी निपटा दिया तीनों को और 211 पर रोक दिया इंग्लैंड की टीम को। अब 212 का टारगेट मिला पाकिस्तान को। अजहर अली ने 100 गेंदों में 76 रन बनाए। 76 के इस टारगेट से 5 चौके 1 छक्का लगाए उन्होंने। फकर चमन जो है 58 गेंदों 57 रन बना के आउट हुए, स्टंप आउट हो गया। अदर्शित की बॉल पर जॉस बटलर ने स्टंप आउट किया। बाबर आजम 45 बॉल में 38 रन और मोहम्मद हफीज 21 बॉल में 31 रन बना के नॉट आउट रहे और मैच जो है 38वें ओवर में जीत गई पाकिस्तान की टीम और इस मैच को कन्विंसिंगली 8 विकेट से मैच जीता और फाइनल में जगह बनाई और पहली टीम बन गई जो जिसने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में जगह बनाई। और अगला मैच जो होना था वो होना था इंडिया बांग्लादेश का सेमीफाइनल 2, उसमें जो जीतेगा वो भिड़ेगा पाकिस्तान की टीम से। तो ये इस मैच का जो एनालिसिस था। अब देखिए मैं आपको बता दूं इस मैच के बारे में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, जैसे कि इंग्लैंड की टीम 211 पे ऑल आउट होना। इंग्लैंड की टीम इतनी अच्छी फॉर्म में चल रही थी लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाई। मुझे सब अफसोस है इस चीज़ का, क्योंकि 211 कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं, वो भी एशिया टीम जैसे एशिया टीम के खिलाफ, जो एशिया टीम आराम से बना सकती है उस स्कोर को, क्योंकि वो स्पिन फ्रेंडली पिच होती हैं और आराम से उसको आराम से चेस कर सकती हैं, आराम से कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो रूट ने जो 56 का 40 रन खेली पारी खेली उससे उसको 80-90 में कन्वर्ट करना चाहिए था, शतक मराना चाहिए था उसको, क्योंकि रूट जो है ऐसे बल्लेबाज हैं जिससे बॉलर जो है कांपते हैं, वो डरते हैं कि ये जम ना जाए, इनको आउट करना बहुत जरूरी है वनडे के। इसलिए देखें तो वनडे और टेस्ट के दोनों के सबसेस्ट खिलाड़ी हैं ये। एयन मॉर्गन 53 में 33 रन बनाए। इनका भी बल्ला अब उस सबसे नहीं चला जाए हुसैन का नाम है, क्योंकि 53 में 33 रन आपने बनाए तो सही लेकिन आपने बड़ा स्कोर नहीं बनाया। बड़ा स्कोर नहीं बनाएंगे तो आप बड़े स्कोर पे कैसे तब्दील करेगी इंग्लैंड की टीम। इंग्लैंड की टीम को तो यही चीज़ तो सबसे ज़्यादा चाहिए। और जॉनी बेस्टो 57 गेंदों में 43 रन बनाए। एलेक्स हेल्स जो है वो थोड़े से 2-3 चौके मारे थे उन्होंने लेकिन उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद वो भी ऐसे ही रह गए। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप इस तरह की चीज़ें होती हैं आपके साथ तो वो सही नहीं होती हैं। और पाकिस्तान टीम ने बॉलिंग अच्छी कराई, हसन अली की बात करें या फिर किसी भी खिलाड़ी की बात कर लें, किसी बॉलर की बात कर लें, जुनैद खान ने 42 रन देकर 2 विकेट लिए, रईस ने 9 ओवर में 44 रन देकर 2 विकेट लिए, इमाद वसीम ने 5 ओवर 16 रन दिए, सादाब खान ने 1 विकेट लिया 40 रन देकर। तो ये अच्छी बॉलिंग थी, टाइट बॉलिंग कराई जिससे कि जो इंग्लैंड की टीम है वो कुछ कर ही नहीं पाई है। वो देखते रह गए कि हम करें तो करें क्या के कर, लेकिन उससे पहले ही सब कुछ जो है पाकिस्तान टीम ने कर दिया और रही सही कर बैटिंग ने कर जमान। और यहाँ पे अजहर अली ने जो पारी खेली वो काफ़ी तारीफ थी, दोनों ने 121 गेंदों में 128 रन की पार्टनरशिप करी जो बहुत बेहतरीन थी। इस वजह से जो है पाकिस्तान ने वो आसानी से जीत लिया 8 विकेट से और सेमीफाइनल जो है बहुत अच्छे से कन्विंसिंगली मैच जीता और फाइनल में अब वेट कर रहे थे वो उस टाइम पर कि कौन जीतेगा इंडिया बांग्लादेश में, उससे हम भिड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसा कभी डोमिनेट वाली परफॉर्मेंस इंग्लैंड के खिलाफ दिखाई नहीं थी, वो भी ऐसे टूर्नामेंट में जो आईसीसी का टूर्नामेंट हो। तो ये पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत अच्छी बात थी क्योंकि वो जानते थे कि उस समय बहुत जरूरी था इंग्लैंड को हराना, क्योंकि इंग्लैंड की टीम में इंग्लैंड में मैच हो रहे थे तो इंग्लैंड की टीम दावेदार थी इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, लेकिन दावेदार सारी की सारी नष्ट कर दी यहाँ पे पाकिस्तान की टीम ने और बहुत अच्छा खेली उस मैच में। पाकिस्तान टीम ने जिस तरीके से खेली उस हिसाब से लग रहा था कि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी शायद इंडिया या फिर पाकिस्तान में से खोली जाएगा, क्योंकि यही दोनों टीम कल खेल रही थी। इंग्लैंड की टीम बाहर हो गई थी तो 3 टीम बाकी थी, इंडिया, बांग्लादेश और
पाकिस्तान तो इंडिया ये एशिया की टीम थी, तो मुझे ऐसा लगा था शायद कि बांग्लादेश की टीम को वो चांस नहीं है, बांग्लादेश टीम फाइनल पहुंच जाएगी तो इंडिया पाकिस्तान मैच होगा, इंडिया के चांस ज़्यादा थे, लेकिन पाकिस्तान ने इसको उलट फेर कर दिया और पाकिस्तान ने इस ट्रॉफी को जीत लिया आसानी से और मैच जो है वो आसानी से जीत लिया। तो ये था मेरा आज का वीडियो, मैं आपको इस पूरे सेमीफाइनल के मैच के बारे में बताया, हाल बताया उसका, किस तरीके से मैच जीती पाकिस्तान की टीम। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और मैच के साथ और अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए बस यूट्यूब चैनल को, और चलिए अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।